ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह से हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, किस तरह से 10-10 से 11-11 किलोमीटर तक उसको सड़कों पर घसीटा जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती। उस बच्ची की निर्मम हत्या की गई है और जिस तरह से पुलिस की निश्चयता दिख रही है, एलजी साहब की चुप्पी ये दर्शाता है कि एलजी साहब दिल्ली को जंगल राज बनाना चाहते हैं। एक मर्डर को, एक इतनी बड़े अपराध को, जघन्य घटना को, जहां एक बेटी के साथ ये घटना हुई और ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है और दिल्ली पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट बना दिया। आज उसकी आवाज को उठाने के लिए उसमें मामला दर्ज हो, लेकिन पूरी की पूरी पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर हम समझ सकते हैं किस लिए मौन है। पूरे देश की क्राइम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं और एलजी साहब की जिम्मेदारी है कि क्राइम को रोकने की। एलजी साहब कोई काम नहीं करते, दिन भर राजनीति करते हैं। जो घटना घटी है ये बहुत विभत्स घटना है। ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह से हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, किस तरह से 10-10 से 11-11 किलोमीटर तक उसको सड़कों पर घसीटा जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती और आज भी राजनीति कर रहे हैं। एलजी साहब कोई काम नहीं करते, दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, कोई काम नहीं करते, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के अंदर पूरे देश की क्राइम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं और एलजी साहब की जिम्मेदारी है कि क्राइम को रोकने की। एलजी साहब कोई काम नहीं करते, दिन भर राजनीति करते हैं। जो घटना घटी है ये बहुत विभत्स घटना, पूरे देश की क्राइम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं और एलजी साहब की जिम्मेदारी है कि क्राइम को रोकने की। एलजी साहब कोई काम नहीं करते, दिन भर राजनीति करते हैं। जो घटना घटी है ये बहुत विभत्स घटना, लगता है शायद इससे शर्मनाक दिल्ली के लिए कुछ नहीं हो सकता इस नए साल में। ये कल जो घटना है उसमें वहाँ जो चश्मदीद गवाह है उसने बोला कि 22 बार पुलिस को फोन किया, 22 बार फोन करने के बाद भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। जब दिल्ली में दिल्ली की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों है कि पुलिस कभी भी टाइम पे नहीं पहुँचती? जिस तरह से उस बच्ची की निर्मम हत्या की गई है और जिस तरह से पुलिस की निश्चयता दिख रही है, एलजी साहब की चुप्पी ये दर्शाता है कि एलजी साहब दिल्ली को जंगल राज बनाना चाहते हैं। एक बात बताइए आप, जिस तरह की ये घटना हुई, दिल्ली की जनता जो स्तब्ध है, लोगों के रूह कांप जाए, एलजी साहब इंसान तो हो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते करते इतने गिर गए आप कि आज उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक बात बताइए कि आज ये कहा जा रहा है कि उसमें एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये चुप्पी आपकी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है? तो आज दिल्ली की जनता सड़कों पर आकर के आज ये मांग कर रही है और हम भी मांग कर रहे हैं कि विनय सक्सेना को दिल्ली का एलजी बनने का अधिकार नहीं है, विनय सक्सेना इस्तीफा दे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपको इंसानियत बचा हो, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी हो, तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप कुछ ना कर पाए हो, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। आज हम एलजी विनय सक्सेना जी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की बहनें, दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली की एक बेटी के साथ हिंसा हो जाती है, इतनी दरिंदगी हो जाती है, लेकिन एलजी साहब को कोई चिंता नहीं है। एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने का काम। एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, चुनी हुई सरकार के काम में दखल देने का काम। सुबह से लेकर रात तक एलजी सिर्फ राजनीति करते हैं और जो उनका काम है कि दिल्ली के महिलाओं को सुरक्षा दें, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारें, दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनाएं, उसके लिए एलजी साहब ने पिछले एक साल में एक भी काम किया हो तो वो आज हमें बताएं। एक मर्डर को, एक इतनी बड़े अपराध को, जघन्य घटना को, जहां एक बेटी के साथ ये घटना हुई और ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है और दिल्ली पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट बना दिया। आज उसकी आवाज को उठाने के लिए उसमें मामला दर्ज हो, लेकिन पूरी की पूरी पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर हम समझ सकते हैं किस लिए मौन है। ये इसलिए मौन है क्योंकि उसका पांचों में जो एक मुख्य आरोपी है, वो आरोपी भाजपा का नेता है, उसको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त है और हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, ये मर्डर है ना कि ये कोई रोड एक्सीडेंट है। लेकिन ये पुलिस आके कहती है सामने, DCP साहब आके कहते हैं जी वो जो था उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, हमने कहा उसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी, ये मेडिकल में पता लगेगा ड्रिंक हुई की थी या नहीं की थी, लेकिन बलात्कार नहीं हुआ ये DCP ने वैसे ही बता दिया।